बड़ी खबर, अवैध मदरसे पर बुलडोजर वाली कार्रवाई। इंदिरानगर में स्थित अवैध मदरसे पर बुलडोजर वाली कार्रवाई, मुस्लिम महिला और युवकों ने भारी विरोध किया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो इंदिरानगर में अवैध मदरसे पर बुलडोजर वाली कार्रवाई और इसके बाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, मुस्लिम महिला और युवकों ने भारी विरोध किया। प्रशासन और नगर निगम की टीम पर पथराव किया गया, आगजनी की गई। भारी विरोध के बावजूद नगर निगम का अभियान बताया जा रहा है कि जारी रहा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मदरसा तोड़ने के विरोध में आगजनी भी की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हल्द्वानी से आपको बता रहे हैं, जहां इंदिरा नगर में अवैध मदरसे पर बुलडोजर गरजा। मुस्लिम महिलाओं और युवकों ने भारी विरोध किया है। प्रशासनिक टीम नगर निगम की टीम पर पथराव भी किया। मुस्लिम महिलाओं और युवकों ने भारी विरोध किया, प्रशासन और नगर निगम की टीम पर पथराव किया है, आगजनी की है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारी विरोध के बावजूद भी नगर निगम का अभियान जारी रहा। और स्पीच मुस्लिम महिलाओं और युवकों ने किस तरीके से आगजनी की, यह बताया जा रहा है कि अफरा तफरी का माहौल मौके पर। तो इंदिरा नगर में अवैध मदरसे पर बुलडोजर गरजा, उसके बाद किस तरीके से यहां विरोध किया गया, तस्वीरें आपके सामने। तो मुस्लिम महिलाओं और युवकों ने टीम पर पथराव भी किया, प्रशासनिक और नगर निगम की टीम पर पथराव किया गया। भारी विरोध के बावजूद नगर निगम का अभियान जारी रहा। तो मदरसा तोड़ने के विरोध में आगजनी की गई, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से आगजनी की गई है। तो हल्द्वानी से बड़ी खबर, अवैध मदरसे पर बुलडोजर के बाद किस तरीके से यहां आगजनी की गई है। तो इंदिरा नगर में स्थित अवैध मदरसा जिस पर कार्रवाई नगर निगम की टीम की तरफ से, इसके बाद की स्थिति क्या है, देखिए। मौके पर प्रशासनिक अमला मौजूद, शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अवैध मदरसे पर बुलडोजर चला, उसके बाद किस तरीके से यहां आगजनी की गई। इंदिरा नगर में अवैध मदरसे पर बुलडोजर वाली कार्रवाई है। मुस्लिम महिला और युवकों ने भारी विरोध किया, तो प्रशासन और नगर निगम की टीम पर पथराव किया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मदरसा तोड़ने के विरोध में आगजनी की गई। तो बड़ी खबर, सरकारी जमीन से कब्जा हटाया गया, इसके बाद यहां किस तरीके से आगजनी हुई। सरकारी जमीन, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ये भारी विरोध के बाद प्रशासनिक अमला मुस्तैद है, तो मुस्लिम महिलाओं और युवकों ने विरोध किया, वहीं आगजनी भी की गई है। प्रशासन और नगर निगम की टीम पर पथराव किया गया। सरकारी जमीन पर बताया जा रहा है कि अवैध रूप से मदरसा बना था, जिसे नगर निगम की टीम ने तोड़ा है। हालांकि भारी विरोध के बावजूद भी कार्रवाई नगर निगम की होती रही। इलाके में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसे लेकर कोशिश की जा रही है प्रशासनिक अमला सड़कों पर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस पक के हल्द्वानी से, मुस्लिम महिला और युवकों ने भारी विरोध किया है। उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब आगजनी की गई, प्रशासन और नगर निगम की टीम पर पथराव किया गया, मदरसा तोड़ने के विरोध में आगजनी की गई। तो सरकारी जमीन से कब्जा हटाया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस पक की। तो ये तस्वीरें देखिए, किस तरीके से जमकर बवाल भी हुआ है, आगजनी की गई। एहतियातन तौर पर पुलिस बल ने मोर्चा संभाला है, इलाके में शांति व्यवस्था कायम की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखिए, ये दो तस्वीरें जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही थी उस दौरान की, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बुलडोजर वाली जब कार्रवाई हो रही थी, मौके पर प्रशासनिक टीम भी मौजूद था। बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन अवैध रूप से कब्जा कर यहाँ मदरसे का निर्माण कराया गया, और इसके बाद बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई। लेकिन इस दौरान भी विरोध प्रदर्शन का दौर जारी रहा। किस तरीके से महिलाएं और युवक पुलिस टीम से भिड़ते नजर आए, जो बैरिकेड किया गया था उसे हटाते नजर आए, और शाम होते होते तस्वीर किस तरीके से बदली, ये देखिए। छतों पर चढ़कर किस तरीके से पथराव किया जा रहा है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस टीम पर, नगर निगम की टीम पर पथराव किस तरीके से छतों से किया जा रहा है, ये तस्वीरें देखिए। हालांकि एहतियातन तौर पर पुलिस मौके पर मौजूद रही, लोगों को हटाने की कोशिश की जाती रही। तो पहली तस्वीर दिन की आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से
छतों से पथराव किया गया, ईंट पत्थर फेंके गए। पुलिस टीम बसती हुई नजर आई। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, शाम होते होते किस तरीके से ये प्रदर्शन और उग्र हो गया। आगजनी की गई, बवाल जमकर काटा गया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए दिन की तस्वीर, फिर शाम होते होते सूरज ढलने के बाद की तस्वीर आप देखिए। लोगों को शांत कराने की कोशिश पुलिस टीम करती रहे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखिए। बताया जा रहा है कि सरकारी ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा कर वहाँ मदरसे का निर्माण कराया गया था, जिसे बुलडोज़र के जरिए ध्वस्त किया गया, जमींदोज किया गया। इसके बाद वहाँ मौजूद लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। छतों से पथराव पुलिस टीम पर किया गया, नगर निगम की टीम पर किया गया, और फिर ये प्रदर्शन और बढ़ा। तस्वीरें देखिए, दूसरी तस्वीर देखिए, किस तरीके से आगजनी की गई, जमकर नारे भी लगाए गए। तो बड़ी खबर और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हल्द्वानी की ये तस्वीर देखिए, इंदिरा नगर में स्थित इस ज़मीन पर किस तरीके से अवैध रूप से मदरसा बनाया गया था, जब कार्रवाई की जा रही थी उस दौरान की तस्वीरें, कार्रवाई होने के बाद की तस्वीर आपको दिखा रहा है। आगजनी जमकर की गई, तोड़फोड़। इसके अलावा बताया जा रहा है कि आगजनी की गई, छतों पर चढ़कर किस तरह से पथराव किया गया नगर निगम की टीम पर, साथ ही साथ पुलिस की टीम पर, उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि काबू में करने की कोशिश पुलिस कर्मी करते रहे, पुरुष महिला पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से छतों से ये पथराव किया जा रहा है। देखिए एक के बाद एक कई पत्थर छतों से फेंके जा रहे थे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अवैध मदरसे पर बुलडोजर की कार्रवाई के बाद किस तरीके से यहाँ विरोध प्रदर्शन किया गया, और शाम होते होते आगजनी की गई, जमकर बवाल मचाया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, हल्द्वानी से अवैध मदरसे पर कार्रवाई, और उसके बाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इंदिरा नगर में इस अवैध मदरसे पर कार्रवाई की गई, जमींदोज किया गया। इस दौरान मुस्लिम महिलाओं और युवकों ने भारी विरोध किया, पुलिस टीम पर पथराव भी किया गया, प्रशासन और नगर निगम की टीम पर पथराव किया गया। तो अवैध मदरसे पर बुलडोजर के एक्शन को लेकर आगजनी भी की गई, जमकर बवाल मचाया गया। सरकारी ज़मीन से कब्जा जिस तरीके से हटाया जा रहा था, उस दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, एक दिन की तस्वीर, एक शाम होते होते ये तस्वीर निकल कर सामने आई। पहले विरोध किया गया, पथराव किया गया, फिर आगजनी की गई, जमकर धार्मिक नारे भी लगाए गए। भूपेंद्र रावत हमारे साथ सहयोगी जुड़े हैं। भूपेंद्र, पूरी खबर दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा, इंदिरा नगर का ये मामला है जहाँ पर एक अवैध तरीके से मस्जिद, अवैध तरीके से नमाज स्थल और भूपेंद्र आप बोलते रहिए, आवाज़ आ रही है। जी बिल्कुल, हल्द्वानी के इंदिरा नगर का मामला है जहाँ पर मलिक का बगीचा जो जहाँ पर अवैध तरीके से नमाज स्थल और क्या बोलते मदरसे का संचालन हो रहा था। और अभी हम हैं हल्द्वानी के मार्केट में, जहाँ पर मार्केट पूरी तरीके से बंद हो गई है। यहाँ पर पथराव की स्थिति हो रही है, और इसके साथ साथ बलबनपुरा थाने के बाहर जो वाहन थे उनमें आग लगा दी गई है, और इसके साथ साथ